कुर्बानी महंगे यार कुर्बानी देवा मामे मामे पहली कवामी सा अगर बोल दिया गया भाई तुम बताया दे 10,000 चाहिए इतना लाख चाहिए 2 लाख चाहिए जितनी कुर्बानी चाहिए मामे दे देंगे मार गोली दबा दब मामे खड़े शामी कम तम बड़े बुजुर्ग आ गए बच्चे आएंगे तो शर्म कर ले वो इतनी ठंड में 0 डिग्री में बैठे है फिर अब बेशर्म सरकार है इस कारण हो रही है भाई मामे तो मानना नहीं कोने यार इसने नहीं कोने मेरा किसान का 2000 साल का इतिहास है यहाँ कदे भी इज्जत भी गए नहीं उन्होंने जीत के आए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हरियाणा चल में। दोस्तों आज हमारे साथ एक भाई है जो गुरु नाम सिंह चडूनी हरियाणा किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके साथ रहते हैं और दिल्ली से आए हैं भाई, इनसे बात करेंगे। राम राम भाई। राम राम जी। भाई जैसे लगभग 52 दिन हो गया जो आंदोलन चल रहा है, हाँ जी, तो क्या लगता है आपको? देखिए हमारा प्लान है 26 तारीख को परेड करना, हाँ, और प्लान आज हम इसलिए आए हैं कि गांव गांव जाकर हम कमेटी बना रहे हैं और इसलिए बना रहे हैं कि हम डिसिप्लिन में परेड करें, और कमेटी बनाने का मकसद यही है कि गांव वालों की दाव में गांव वाले रहेंगे, इसलिए वो कमेटी गठित कर रहे हैं। और हम 26 तारीख को किसी भी हालत में परेड करेंगे, क्योंकि हमें प्रधान जी ने कहा कि परेड करनी है तो करनी है, वह लक्ष्मण रेखा। परेड आप दिल्ली के बॉर्डर पे करोगे या दिल्ली के अंदर जाओगे? नहीं जी, दिल्ली के अंदर करेंगे, दिल्ली हमारी राजधानी है, हम कर सकते हैं, हमारा अधिकार है। जैसे आप गुरु नाम सिंह चडूनी जी के साथ रहते हैं तो उन्होंने क्या संदेश दिया है? गुरु नाम जी के साथ में कोर कमेटी मेंबर हरियाणा का, उन्होंने कहा कि जितने भी साधन है, पैदल है या ट्रैक्टर में जो भी जिस प्रकार भी आ सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 24 तारीख से पहले ही बॉर्डरों में पहुंचे ताकि हम 26 तारीख को परेड कर सके मजबूती से। तो अभी दिल्ली का क्या प्रोग्राम है जो वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं किसान वहाँ बैठे हैं? देखिए ये सरकार बेशर्म हो चुकी है, इन्हें कोई मतलब नहीं किसानों से, यदि ये चाह रहे हैं कि किसान थक जाएगा वो अब चला जाएगा, पर मैं सरकार बता देना चाहता हूँ सरकार थकने वाला नहीं, क्योंकि वहाँ तो हमें बैठना है, बैठ कर खाना ही है, हम खेत में मेहनत करते तब भी नहीं थकते, हम थकेंगे नहीं और आखिरी दम तक हम जीत के वापस आएंगे या कुर्बानी देकर वापस आएंगे। सरकार बार बार मीटिंग रख रही है, इसका क्या कारण है? ये तो जी आंदोलन लंबा खींचना चाहता है भाई, मीटिंग है मीटिंग, हमारे किसान मानते को नहीं, किसान मानते को नहीं, माँ मैंने बैन किया, रद्द कर दिया कानून ने, मीटिंग की जरूरत को नहीं, मैं घर आ जाएंगे। तो आगे 19 तारीख की रखेगी मीटिंग, क्या लगता है आपको कि सरकार मान ले? ना जी कुछ भी नहीं है, फरवरी में बजट पेश होगा जी, उसके टाइम मानना ही माननी दो, कुर्बानी महंगे यार कुर्बानी देवा मामे, मामे पहली कवामी सा अगर बोल दिया गया भाई तुम्हें बताया दे 10,000 चाहिए, इतना लाख चाहिए, 2 लाख चाहिए, जितनी कुर्बानी चाहिए मामे दे देंगे, मार गोली दबा दब मामे खड़े शामी, कम तम बड़े बुजुर्ग आ गए बच्चे आएंगे तो शर्म कर ले, वो इतनी ठंड में 0 डिग्री में बैठे है, फिर अब बेशर्म सरकार है, इस कारण हो रही है भाई मामे तो मानना नहीं कोने यार इसने नहीं कोने, मेरा किसान का 2000 साल का इतिहास है यहाँ कदे भी इज्जत भी गए नहीं उन्होंने जीत के आए हैं। लेकिन 52 दिन हो गया आंदोलन चल रहा है, लेकिन अभी भी सरकार किसी एंगल से नहीं लग रहा कि सरकार बिल वापस लेने वाली है। मेरा जी के है एंगल उंगल का इनू है जी, मीडिया है, मीडिया में दिखाना रहा कौन नहीं लेंदे कौन लेंदे, सरकार हल रही है, मोदी ने बेरा है जब किसान आंदोलन जीत गए सरकार डवेगी, सरकार टूटेगी, और जब सरकार टूट गई मोदी सीट नहीं आती एक, हरियाणा में तो देख लिया 26 तारीख बाद सरकार टूट गई पक्की। और जो सुप्रीम कोर्ट में केस गया था उसमें 4 सदस्यों की कमेटी बनाई थी, हाँ। उसमें से भूपेंद्र सिंह मान ने इस्तीफा दिया है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? भाई मैं तो मान साहब का आभार प्रकट करता हूँ, अजमेर जाग गया इस्तीफा वापस कराया, और बाकी रही सुप्रीम कोर्ट की मामले कदम याचिका लगाई ये नहीं, उसमें सरकार ने याचिका लगाई, सरकार ने कमेटी गठित करी, कमेटी में कौन है जो इनका कानून का समर्थन करने लग रही है, चलो किसान नेता लेने दे 40 जोन से बात करें उन्होंने ले लेना पंचन है, फिर मीटिंग में भी जानते मजा आता कमेटी का लोग बात आता, और कमेटी का यूए काम है कमेटी बनाई थी स्वामीनाथ रिपोर्ट खेत्र भी, वो कमेटी का आज तक नुआ मेरा शायक है 2006 में बनाई थी भाई, उस कमेटी का आज कल मेरा है वो एक काम, इस कमेटी का डेढ़ साल बाद साल 2 साल 3-4 कमेटी नो चलते रहोगे, मैं कमेटी को मान दे मैं मानना एक बात में, कानून पेश करो MSP गारंटी कानून पेश करो और तीनों कानून रद्द करो। और कोई संदेश देना चाहते हो किसान? मैं तो यही कहूँ भाई साहब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या 24 तारीख ना किसी भी हालत में दिल्ली बॉर्डर में पहुँचो, जुनसा बॉर्डर नज़दीक हो सारे पहुँचो, और 26 तारीख ना अपना किसी ने बाप मला नहीं करना, अपना दिल्ली परेड करनी, शांति प्रिय करनी है, क्योंकि हमारा देश है और हमारी राजधानी है, जब तोड़ फोड़ करेंगे अपना मैं जाओगे पीछे भाई, एक बार फिर रिपीट करूँ भाई ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दिल्ली बॉर्डर पर पहुँचो, धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद।